एक शरारती बच्चा बोला, मास्टर जी एक सवाल पूछूं? मास्टर जी ने कहा, हाँ हाँ पूछो। बच्चे ने पूछा, हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? मास्टर जी गुस्से में बोले, बेवकूफ, हाथी को फ्रिज में नहीं रखा जाता। बच्चा, मास्टर जी फ्रिज बहुत बड़ा है, पहले फ्रिज खोलेंगे फिर हाथी को अंदर डाल देंगे। मास्टर जी एक सवाल और पूछूं? मास्टर जी ने कहा, हाँ पूछो। बच्चे ने पूछा, गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे मास्टर जी? मास्टर जी ने बड़े आराम से जवाब दिया, पहले फ्रिज खोलेंगे फिर गधे को उसमें रख देंगे। बच्चा, गलत जवाब, पहले हाथी को बाहर करेंगे फिर गधे को फ्रिज में रखेंगे। थोड़ी देर रुककर फिर बच्चा पूछता है, मास्टर जी एक सवाल और पूछूं? मास्टर जी ने कहा, हाँ हाँ पूछो। बच्चे ने कहा, बंदर के जन्मदिन की पार्टी में सभी जानवर एवं जीव जंतु आए, परंतु एक जानवर नहीं आया, आप उसका नाम बताएं। तो मास्टर जी ने कहा, शेर नहीं आया होगा, क्योंकि वो आता तो सभी को खा जाता। बच्चा फिर बोला, फिर गलत जवाब, गधा पार्टी में नहीं आया, क्योंकि गधे को तो हमने फ्रिज में बंद कर दिया था। बच्चा तो बहुत शरारती था। थोड़ा रुककर उसने फिर पूछा, मास्टर जी एक सवाल और पूछूं? मास्टर जी ने गुस्से में भर कर कहा, बोल हरामजादे। बच्चा बोला, रास्ते में एक नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है, और उस नदी के ऊपर जाने आने के लिए पुल भी नहीं है, अब आप बताइए आप नदी कैसे पार करोगे? मास्टर जी ने बोला, मैं नाव लेकर नदी पार करूंगा। बच्चा फिर बोला, फिर गलत जवाब। अब मास्टर जी को क्रोध आ गया, वो गुस्से में बोले, हरामजादे बोल कैसे? बच्चा तो शरारती था ही, वो बोला, मास्टर जी इतनी जल्दी नाव कहाँ से मिलेगी आपको, तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर लोगे। मास्टर जी ने गुस्से में पूछा, मगरमच्छ से तेरा बाप बचाएगा? बच्चा, मास्टर जी आपकी इतनी फट्टी क्यों है? आपको तो पता है कि सभी जीव जानवर बंदर की बर्थडे पार्टी में गए हैं, तो मगरमच्छ नदी में कैसे आ जाएगा? मास्टर जी बेहोश।